हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो सेशन है वो DU MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, दैट इज़ ऑन 26 सितंबर। उम्मीद करते हैं कि सबने बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर ली होगी, बट लास्ट टाइम जो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड कल एग्ज़ाम के बाद हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके व्हाट्सएप पे मेरे से पेपर का रिव्यू ज़रूर शेयर करेंगे एंड क्वेश्चन पेपर की कॉपी मेरे को सेंड कर देना, सो दैट हम उसकी आंसर की अपलोड कर पाएँ। ऑल द बेस्ट एवरीवन जिनका कल एग्ज़ाम है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड, एक ID प्रूफ, मास्क, सैनिटाइज़र एंड वो सारी चीज़ें जो एडमिट कार्ड में लिखी हैं प्रॉपरली रख लेना। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहां हम कुछ क्वेश्चंस मैथ्स का बताएंगे जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज MCX इज इक्वल टू 2x + 9⁻²। फिक्स कॉस्ट गिवन है एंड लिखा है देन पर यूनिट कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 8 यूनिट्स विल बी रुपीज। अब हमारे पास यूनिट दिया हुआ है कितना, 8 यूनिट। अब इस टॉपिक पे देखोगे ना तो सिंपली ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट गिवन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे 2x + 9⁻²। अब इंटीग्रेशन कैसे करना है उस पर हम डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू आएगी 2 (2x + 9⁻²). ये आफ्टर इंटीग्रेशन वैल्यू आएगी किसकी, मार्जिनल कॉस्ट की। क्लियर? नाउ टोटल कॉस्ट हमारे पास जो कि गिवन है, नाउ टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट सिंपली क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट दैट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास दिया हुआ है दिस 2x + 9⁻², एंड फिक्स कॉस्ट देखो क्वेश्चन में हमारे पास दिया, बेसिकली फिक्स कॉस्ट को हम लोग कॉन्स्टेंट मानते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू मतलब क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट। तो ये वैल्यू दी हुई है 4। क्लियर? ना अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया और क्वेश्चन में हमसे पर यूनिट कॉस्ट पूछा है, पर यूनिट कॉस्ट मतलब किसकी बात कर रहा है, एवरेज कॉस्ट की, तो सिंपली एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और n। टोटल कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था 2x + 9⁻², प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय n, कितना है नंबर ऑफ यूनिट्स, 8 है। क्लियर? नाउ x की वैल्यू हमारे पास दी है ना 8, क्योंकि बेसिकली यहाँ n भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, n इज नंबर ऑफ यूनिट एंड x भी देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट। तो यहाँ देखो जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 8 + 9, इसको हम अंडर रूट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पावर 1/2 है, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सॉल्व करो, 8 × 16 + 9, ये हो जाएगा 25, तो 2 √25 + 4 / 8, √25 किसका रूट है, 5 का। तो अब हम इसको यहाँ ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं, 2 × 5 + 4 / 8, ये हो जाएगा 14/8, एंड इसको जब हम लास्टली सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आए, एंड फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.75। इस पैटर्न पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, तो मेरा आंसर आ रहा है 1.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है एंड अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं बट क्वेश्चन सेम ही होता है। अ लोन ऑफ ₹20,000 इज टू बी रीपेड इन सर्टन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2470। अब ये 2470 में प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, ईच रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट एट द रेट 4% पर एनम कंपाउंडेड। फाइंड द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, हमें ये बताना है कि ये जो 20,000 का लोन लिया गया था विथ इंटरेस्ट कितने इंस्टॉलमेंट में पे किया गया है। ठीक, यहाँ हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 20,000 हमारे पास क्या दिया हुआ है, अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल नहीं गिवन है, यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, इंस्टॉलमेंट। मतलब इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें, एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो उसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड होगा एंड इंटरेस्ट भी। 1 - 1.04, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कितना है 4%, पावर माइनस एन, क्योंकि अभी हमें इंस्टॉलमेंट नहीं पता है कि कितने इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, डिवाइडेड बाई 0.04, जो बेसिकली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नाउ आप इसको इधर ले आओ वैल्यू को और फिर 0.04 से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट ओपन करके। यहाँ स्टेप टू स्टेप इसीलिए बता रहे हैं सो दैट किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। डिवाइडेड बाय 2470 हम लिख भी दे रहे हैं, बट ये लिखने की आप लोगों को एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस साइड जो वैल्यू बची वो बची है 1 - 1.04 / n। क्लियर? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपकी वैल्यू आएगी 0.323। ठीक है,
तो दिस इज इक्वल टू 0.323। अब इस 1 को इधर ले आओ तो ये जाएगा माइनस 1.04 टू द पावर माइनस एन, ये इधर जाने के बाद माइनस 0.677, माइनस माइनस कट गया, ठीक। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.04 टू द पावर एन इज इक्वल टू 0.677। अब इसको इधर ले आओ और इसको ऊपर ले जाओ तो वैल्यू कितनी बचेगी, 1 डिवाइडेड बाय 0.677 इज इक्वल टू 1.04 टू द पावर एन। इसको सॉल्व करके मेरी वैल्यू आ रही है 1.47904 इज इक्वल टू 1.04 टू द पावर एन, क्लियर। नाउ मेरे पास जो लास्ट में वैल्यू आई वो आ रही है 1.04 टू द पावर एन इज इक्वल टू 1.47904। अब देखो सिंपली में बेस कितना रखना है 1.04, तभी हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ सकती है। तो ये 1.04 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि आपकी 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04 ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको देखना होगा कि आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि वैल्यू इतनी आए 1.47904। हमने करके देखा ये 10 टाइम्स वैल्यू आ रही है, क्लियर। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 10, क्योंकि बेस बेस इक्वल था तो आंसर क्या हो जाएगा 210। अब इतना लेंदी क्वेश्चन आप बोलोगे कि मैम एग्जाम में आ सकता है, हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट अगर ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत ही ईजिली आप बाकी क्वेश्चंस भी ऑप्ट कर पाओगे। अब उसी पैटर्न पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 है भी, ये बेसिकली 2019 का क्वेश्चन था जो कि हमने बोला था कि हम करवा देंगे बट हमने सॉल्व नहीं करवाया था। अब बहुत ही ईजिली आप इसका आंसर निकाल सकते हो और इसका आंसर आएगा 20 ईयर्स, सेम फॉर्मूले पे एप्लीकेशन होगा, ठीक है। और हमने इतना डिटेल में इसलिए बताया सो दैट आप लोगों को कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। अब ये सारे क्वेश्चंस आप देखोगे ना बहुत बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, इसीलिए इस सेम पैटर्न पे जो क्वेश्चंस था वो हमने सॉल्व करवा दिया है। और बाकी हमने 2015 टू 2020 के जो क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए वो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। अब चलो कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जैसे एक तो देखो एग्जाम के लिए कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ईओक्यू का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैरिंग, क्लियर। अब बहुत बार स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि मंथली रिक्वायरमेंट है 10,000 यूनिट्स की और आपको लगता है कि ये ही एनुअल कंजम्पशन है। जी नहीं, ए का मतलब ही एनुअल कंजम्पशन है। एनुअल कंजम्पशन कभी मंथली कंजम्पशन के बराबर नहीं हो सकता है, इसको आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना है तब आपका एनुअल कंजम्पशन आएगा, क्लियर। एक सबसे पहला पॉइंट। दूसरा सीसी, ये जो कैरिंग कॉस्ट निकालना होता है ना ये जनरली हम लोग कैसे निकालते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में प्राइस पर यूनिट दिया रहता है कि एक यूनिट की प्राइस कितनी है मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज गिवन होता है, ठीक है। उसको जब आप अप्लाई करोगे ना तो आपके पास आएगा कैरिंग कॉस्ट। तो ईओक्यू का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बाकी कॉस्ट में अगर देखा जाए तो बिन कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोर लेजर, ये सब टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए हुए हैं अपनी कॉस्टिंग एमसीक्यूज के सेशन में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए और ये भी बहुत रेलेवेंट है, तो प्लीज इसके फॉर्मूलाज आप अच्छे से कवर कर लेना, क्लियर। कल हमने टॉपिक अपलोड किया था जहाँ पे रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एंड कासी रेंट पे पूरा डिस्कशन किया था। आज उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ कासी रेंट मीन्स, कासी रेंट का मतलब ही क्या होता है, जहाँ हम बात करते हैं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एक्सेप्ट लैंड, हमने बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, द रिटर्न टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हू सप्लाइज इन इलास्टिक इन द शॉर्ट रन, क्लियर। क्योंकि कासी रेंट पे हमने बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा तो उस केस में कासी रेंट होगा नहीं, ये सब हमने टॉपिक बताया हुआ है। नेक्स्ट, इन मॉडर्न थ्योरी रेंट इज डिफाइंड एज द, तो देख लेते हैं ऑप्शन, सरप्लस अर्निंग ऑफ अ फैक्टर ओवर इट्स ट्रांसफर अर्निंग, ट्रांसफर अर्निंग ऑफ अ फैक्टर ओवर सरप्लस अर्निंग, प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लैंड, एक्सेस अमाउंट पेबल फॉर इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या है, 1, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी में हमने यही बताया था कि सरप्लस अर्निंग हमेशा ज्यादा होगी ट्रांसफर अर्निंग से। नेक्स्ट, मार्जिनल लैंड इन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ लैंड इज, हमने बताया था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो करेक्ट आंसर होगा 4th, नो रेंट लैंड। नेक्स्ट, कासी रेंट इज डैश इन शॉर्ट टर्म एंड डैश इन लॉन्ग रन, कासी रेंट की अगर बात करें तो ये इकोनॉमिक रेंट होता है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में क्या होता है ट्रांसफर अर्निंग के बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर होगा 1st। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज ग्रेटर रिटर्न देन नीडेड फॉर इट टू सप्लाई इटसेल्फ, ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रांसफर अर्निंग, कासी रेंट, इंटरेस्ट, इकोनॉमिक रेंट, करेक्ट आंसर होगा
फोर्थ इकोनॉमिक रेंट। तो ये पांच क्वेश्चन था जो कि कल के टॉपिक से ही रिलेटेड था, रेंट टॉपिक से रिलेटेड। और अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जहां हम यूनियन बजट में जो चेंजेस आया उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि ऑन 1 फरवरी 2021 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन मेड चेंजेस टू द इनकम टैक्स लॉज इन हर बजट टू हेल्प ईज टैक्स पेयर्स इन्फोर्समेंट। तो ये डेट याद रखना एंड नाम याद रखना, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। अब उसमें पहला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम सिर्फ बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, आप लोग रीड कर लेना कि वो लोग जो 75 इयर्स ऑफ एज में, मतलब सीनियर सिटीजन की यहाँ बात कर रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन है दैट इज़ अबव 75 इयर्स, उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि अगर वो चाहें तो वो टैक्स फाइल ना करें। बट वो सिर्फ और सिर्फ उस केस में टैक्स फाइल नहीं करेंगे जब उनकी इनकम पेंशन से या इंटरेस्ट से आ रही हो, क्योंकि जनरली हमने देखा है जो लोग जॉब में होते हैं, रिटायर होते हैं, तो उनको पेंशन मिलती है, या अगर उन्होंने बैंक में पैसे सेव करके रखे हैं तो FD और RD का उनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों सोर्सेज से किसी पर्सन की इनकम आ रही है जो 75 ईयर्स अबव है तो उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर। बट इनके अलावा अगर कोई सोर्सेज है तब आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी। नेक्स्ट पॉइंट है द अवेलेबिलिटी ऑफ प्री फिल्ड ITR फॉर्म्स, कि अब ITR फॉर्म में, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में, कुछ पेजेस, कुछ पॉइंट्स प्री फिल्ड रहेंगे, पहले से फिल्ड रहेंगे आपके इनकम टैक्स रिटर्न में। जैसे आप लॉग इन करोगे आप देखोगे डिविडेंड की वैल्यू, इंटरेस्ट की वैल्यू, कैपिटल गेन की वैल्यू, ये सारे की सारी वैल्यूज वहां मेंशन होगी, क्लियर। तो ये तीनों नाम याद रखना, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन। नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू EPF एंड इट्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन द एम्प्लॉय शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्कर्स और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दैट इज EPF ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 शैल बी टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ विड्रॉल इफ इट रीचेस 2.5 लाख इन एनी ईयर। मतलब अगर 2.5 लाख से कम है तब तो बात अलग है, बट अगर 2.5 लाख से ज्यादा हो गई, हम EPF की बात करें कि अगर उसमें वैल्यू आपके 2.5 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसके विद्रॉल पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये फिगर एग्जाम में पूछ सकता है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जेम्पशन फ्रॉम रिट एंड इनविट, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टू रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम TDS, कि इस पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट मोर TDS फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो तो उस केस में आपसे ज़्यादा TDS चार्ज किया जाएगा, क्लियर। द गवर्नमेंट इज सॉट टू इंट्रोड्यूस अ सेपरेट सेक्शन 206AB टू द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब एक नया सेक्शन ये लोग ऐड करेंगे जहाँ यही बताया जाएगा कि आपको आपसे हायर TDS दैट इज टैक्स डिडक्शन एज सोर्स चार्ज किया जाएगा अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो। The proposed TDS rate in this section would be twice the rate defined in the applicable clause of the Act or twice the rate or rate in effect or 5%. मतलब जिसका आपने डिफॉल्ट किया होगा उसका डबल आपको देना पड़ेगा या कम से कम 5%, क्लियर। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ULIPs इन द टैक्स ब्रैकेट, द गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड यूनिट रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज इन द टैक्स ब्रैकेट। पहले क्या था कि जब हम इसका रिडम्पशन कराते थे, मतलब जब इसका रिडम्पशन कराते थे मतलब इसके बदले जब वापस पैसे लेते थे तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट था। बट अंडर द लेटेस्ट प्लान अब क्या हुआ है कि अगर ULIPs आप रिडीम करोगे ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021 वेर द एनुअल प्रीमियम पेबल बाय द इंडिविजुअल एक्सीड 2.5 लाख वुड बी सब्जेक्टेड टू अ कैपिटल गेन टैक्स, तब उस पर CG टैक्स लगेगा, पर ये तब लगेगा जब आपने पूरे साल की प्रीमियम कितनी दी हो, 2.5 लाख दी हो, क्लियर। नेक्स्ट नोटिफाइड LTC स्कीम दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन की बात कर रहे हैं, वर्कर्स कैन ऑल्सो बी गिवन एन एग्जेम्पशन फॉर LTC ऑफ 1/3 ऑफ द स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर और ₹36,000 लेस फॉर द 2018-21 ब्लॉक इफ दे हैव इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन द परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सब्जेक्ट टू GST ऑफ अप टू 12% और मोर प्रोवाइडेड दैट पेमेंट इज मेड इन नॉन कैश मोड एंड इज मेड विद इन द पीरियड 12 अक्टूबर 2020 टू 31 मार्च 2021। ये पॉइंट रीड कर लेना, नोटिफाइड LTC स्कीम, इसमें सिर्फ ये बता रहा है कि 1/3 और 36,000 जो भी कम है उसका हमें एग्जेम्पशन मिलेगा, पर कब मिलेगा उसकी कंडीशन यहाँ दी हुई है। नेक्स्ट टैक्स हॉलीडेज ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग एक्सपैंडेड, ये पॉइंट में बहुत ही इजीली आप लोग रीड कर सकते हो। नेक्स्ट द डिलेड पीरियड फॉर फाइलिंग ITR रिड्यूस, आप देखो अब फिलहाल इस करंट ईयर के लिए जो लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग की वो है 31 दिसंबर 2021। नेक्स्ट
TDS tax on the procurement of goods, procurement of goods मतलब goods खरीदने की बात हो रही है, to extend the spectrum of TDS मतलब TDS की के फील्ड को एरिया को बढ़ाने के लिए, it is proposed to impose a TDS of 0.1% on a sales transaction above 50 lakh per year, मतलब अगर आपका sales transaction कितना हो रहा है 50 लाख से ज़्यादा किसी भी साल में, तो फिर TDS implement होगा 0.5% का, clear? Safe harbor limit बढ़ा करके कर दी गई है 10% to 20%, टैक्स इंडिपेंडेंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ UCBs टू SFPs, ये भी आप लोग रीड कर लेना, ये भी सिंपल पॉइंट है. नेक्स्ट एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑडिटिंग टू इनकरेज डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड रिड्यूस अ बर्डन ऑफ कंप्लायंस ऑफ दोज हु कैरी आउट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर ट्रांजेक्शन डिजिटली. इट इज प्रपोज टू रेज द टैक्स ऑडिट थ्रेश होल्ड फॉर इंडिविजुअल्स हू आर कंडक्टिंग 95% ऑफ देयर ट्रांजेक्शन डिजिटली फ्रॉम 5 crores टू 10 crores. मतलब अगर आप एज अ असेसी अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को डिजिटली कर रहे हो तो नो डाउट आप सब कुछ डिस्क्लोज कर रहे हो. तो इफ़ इन केस आपने 95% अपने ट्रांजेक्शन्स को बल्कि डिजिटली किया है, तो उस केस में पहले क्या रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है कि अगर 5 crores है थ्रेशोल्ड लिमिट, 5 crores है कि फिर आपको ऑडिटिंग करानी होती है, तो ये 5 crore की जगह आपको बेनिफिट दिया गया 10 crores का. ये नेक्स्ट पॉइंट भी आप लोग खुद रीड कर लेना. अब देखो यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स रेलेवेंट था मेरे हिसाब से हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है. बाकी हमने बहुत सारी चीज़ें, बाकी हमने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड करके रखी हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है. तब उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड एग्जाम में थोड़ा सा पेशेंस रखना, हर क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो. बट एग्जाम में पेशेंस रखना, रीजन बिंग जब आप पेशेंस रखते हो ना तो बहुत ही ईजिली आपको आंसर्स एग्जाम में क्लिक करते हैं. बहुत अच्छे से पेपर क्लियर होगा अगर आपने सारे के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड अच्छे से प्रैक्टिस की है तो. आज का हमारा सेशन हम यही ख़त्म करते हैं. वंस अगेन ऑल द बेस्ट एवरीवन, बहुत अच्छे से पेपर करके आना एंड जो भी आपका रिव्यूज़ होगा वो ज़रूर शेयर करना कॉमेंट बॉक्स में एंड व्हाट्सएप पे. आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच.